तो फाइनली हमने जो क्लिपर मंगवाया था दराज वालों से वो हमें रिसीव हो चुका है और मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करवाता हूँ। तो जनाब आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जो दराज से हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि रैबिट्स के नेल्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें क्लिपर की ज़रूरत थी जो कि दूसरे आम नेल कटर से वो कट नहीं हो रहे थे। तो मैंने दराज के ऊपर देखा तो वो एक दो जो उनसे थे ना वो क्लिपर आए थे बड़े प्यारे थे, तो उसमें से एक मैंने जो उनसे वो बाय कर लिया था। तो दो तीन दिन के बाद आज मुझे ये रिसीव हुआ है, तो आज मैं आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसमें हम रैबिट्स के नेल्स भी कट करेंगे और चेक करेंगे कि आया ये काम करता भी है कि नहीं। और हमें जो इसमें बताया गया था कि इसके अंदर लाइट्स भी हैं, तो अभी चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है नेल का क्लिपर। ये इसके जी इसके ऊपर सारी पेमेंट वगैरह लिखी हुई है, एड्रेस वगैरह सारा टोटल लिखा हुआ है। तो ये है जी हमारा, अच्छा इसको अब ओपन करते हैं हम। पैकिंग तो इन्होंने बहुत अच्छी की थी लेकिन इतना मज़ेदार नहीं है पैकिंग इनकी। तो सो ये है इसका क्लिपर। तो ये जौन सी है ये लॉक है आई थिंक, और ये मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट का है इसका, आगे पीछे करने के लिए नेल बड़ा है या छोटा है उसको एडजस्ट करने के लिए। लाइट नहीं चलती वैसे इसके अंदर, आई थिंक इसके सेल जो उनसे है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम आए छत के ऊपर और आके हम पकड़ते हैं अपने रैबिट्स को और आपको दिखाते हैं इसके नेल्स कैसे कट करते हैं। अब भाग रहा है जैसे कि छोटे बच्चे भागते हैं नेल कटवाते वक्त, तो अब इसको हम पकड़ेंगे और इसके नेल कट करेंगे और आपको दिखाएंगे। हमने इसके नेल कट कर दिए, तो काफ़ी मुश्किल के साथ आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी मुश्किल से इसने नेल कट करवाए हैं, लेकिन कटर बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ है, आराम के साथ उसने इसके नेल्स काट दिए। तो अब जो उनसे अब तीन रैबिट्स और हैं उनके भी काटेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो सिर्फ इतनी थी, आप लोगों को हमने अनबॉक्सिंग करवानी थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।